जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघई कॉलोनी में कुख्यात सटोरी नरेश ठाकुर के 3 मंजिला अवैध निर्माण पर माफिया विरोधी अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते सटोरी नरेश ठाकुर का अवैध 3 मंजिला मकान को आज दमनिदोज किया गया। जहां CSP प्रभात शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सटोरी नरेश ठाकुर के विरुद्ध लगभग 60 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसके द्वारा सिंघई कॉलोनी में अवैध 3 मंजिला मकान का निर्माण किया गया था। इसे जिला प्रशासन के द्वारा आकलन करते हुए नगर निगम की टीम के सहयोग से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से किए गए जमीन पर कब्जा कर 3 मंजिला मकान नरेश ठाकुर के द्वारा बनाया गया था, इसे आज तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघई कॉलोनी में नरेश ठाकुर का एक 3 मंजिला मकान है और नरेश ठाकुर के विरुद्ध जुआ सट्टा के 60 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। उसके विरुद्ध पिछले दिनों ही कार्रवाई की गई है और उसके बाद नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि अतिक्रमण करके बनाया हुआ है, तो अतिक्रमण किया गया हिस्सा नापजोक करके उसको हटाया जा रहा है और इसमें पुलिस सहयोग में लगी हुई है।